BB14 को शुरू हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और इस एक हफ्ते में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, कई लोगों की दोस्ती टूटी और बनी, कई लोग पहले लड़े लेकिन फिर दोस्त बने, लेकिन इस बीच एक ऐसी जोड़ी थी जिसकी शुरुआत हुई थी प्यार से और दोस्ती से, लेकिन अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवित्र पूनिया और राहुल वैद्य की, जो शुरुआत में तो दोस्त थे लेकिन फिर धीरे धीरे वो करीब आने लगे, पर उन दोनों के बीच में एक लड़ाई ने एक दूसरे को दोबारा अलग अलग कर दिया, पर अब पवित्र पूनिया ने घर में अपने प्यार का इजहार कर दिया है। जी हाँ, पवित्र पूनिया ने घर के अंदर रूबीना दिलाइक के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। रूबीना पवित्रा से ये पूछती है कि आपको किस बात से तकलीफ है कि आप दोस्ती नहीं निभा पाई, तो पवित्रा कहती है कि तकलीफ ये चीज दे रही है कि मैंने उन तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, मैंने जेन्युइनली एक चीज आपके साथ ट्राई करने की कोशिश की, क्योंकि आप हैं अच्छे, आप शायद समझ पाओगे मुझे इस भीड़ में, तो मुझे लगा कि वो कनेक्ट बैठेगा यहाँ पे। स्टिल आई वॉज बींग नाइस टू यू। प्यार का ऐलान दोनों तरफ से होता है, एक तरफा चीज कोई नहीं चल पाती। आई फेल्ट इमोशनली कनेक्टेड विद हिम बिकॉज आई हैव सीन दैट लोनलीनेस इन हिम समवेयर। मुझे दिखती है वो उनके अंदर कहीं। आई डोंट वॉन्ट टू लूज हिम। मैं उन्हें नहीं खोना चाहती। यहाँ पर पवित्रा एजाज खान के बारे में बात कर रही होती हैं, क्योंकि बिग बॉस के शेयर किए हुए प्रोमो में जब पवित्रा ये सब बोलती हैं, तब प्रोमो में एजाज और पवित्रा के रोमांटिक मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं, जिससे ये बात साफ होती है कि पवित्रा एजाज को लेकर ही ये बात कह रही होती हैं। अब देखना ये है कि क्या पवित्रा के दिल की बात एजाज समझते हैं या फिर नहीं। वेल, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह के बिग बॉस की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटे।